एक्चुअली क्या कर रही है तू? सबसे बड़ी बात है इस गाने को बहुत ही अच्छे एक्टर मिल गए हैं दो। पब्लिक ने पारी छलके को इतना छलका दिया, मेरे को सर्द गर्म हो गए। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका नए बिहाइंड द सीन व्लॉग में। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम सभी उठ के ब्रेकफास्ट करने गए थे और अभी इसके बाद हम सर के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब बताएंगे कि क्या रहेगा फर्स्ट सेटअप और कॉस्ट्यूम क्या रहेगी, उसमें उस हिसाब से हम रेडी होते हैं और फिर आपको पूरा अपडेट करता हूँ शूट के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। ये रही मेरी सेकंड लुक, अभी सेकंड शॉट के लिए आ गए हम यहाँ पे। सपना में भी बहुत सुंदर लग रही हैं और पूरा सेट बहुत ही शानदार है। कॉपीराइट मारूंगी, मैम कॉपीराइट देने वाली हैं। मैं खुद ही कॉपीराइट सॉन्ग डाल ही देता हूँ। सॉन्ग डाल के ही करता हूँ मतलब ऐसा। जी डायरेक्टर साहब तो फिर क्या रिपोर्ट है अब तक? रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, अभी भाई के साथ शूट किया है, अभी मजा आ रहा है। हम सोच रहे हैं भाई के फर्स्ट हिट का सेकंड हिट। मेरा भी पिछला हिट चला ना, पिस्टल में पिस्टल तब मैंगल है। भाई के तो बहुत गाने हिट चल रहे हैं भाई, अब अपना भी होने वाला है। हां बिल्कुल। और भाई अब जाके मौसम में थोड़ी शांति आई है, नहीं तो सुबह बिल्कुल आग लगी पड़ी थी। अब जाके थोड़ी स्वेटिंग कम हुई है, नहीं तो परेशान हो चुके थे सुबह से। तो बल्कि मैम तो ज़्यादा ही, मैम के दो सॉन्ग के शूट चल रहे हैं लगातार, इस वजह से मैम को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हम तो जब भी रूम में रेस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों आपको इस बिहाइंड द सीन व्लॉग में दो शूट के बिहाइंड द सीन आपको देखने मिल रहे हैं, एक हरियाणा का घाघरा और दूसरा हमारे वाला गाना। तो अभी मैम का सीन कंप्लीट हो चुका है, मेरी बारी है, हमारा सीन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि सनलाइट जाने वाली है। तो और बताइए सर, मज़ा तो बहुत आ रहा है और एक मतलब एक रोमांटिक सा सॉन्ग मैम ने दिया, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात है मैं बहुत खुश हूँ कि भाई आकाश भाई के साथ काम करने का मौका मिला। खुश हुआ फरिश्ता भाई, एक नंबर भाई, इंसान इतने जेन्युइन है ना भाई, मजा आ गया नेचर देख के भाई का। और गाना बहुत ही अच्छा है और गाना गाया है रुचिका जांगीर जी ने और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एज यू ऑल नो कि वो बहुत ही सुरीली है और बहुत ही अच्छा गाती है और सबसे बड़ी बात है इस गाने को बहुत ही अच्छे एक्टर मिल गए हैं दो, द वन एंड ओनली आकाश भाई, जिनका पहला ही गाना बहुत बड़ा हिट गया है पानी छलके। हाँ बिल्कुल। हाँ और दूसरा जो उनका तो तारीफ हो गई, पुल बांधने में हम कसर ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो डिजर्व करते हैं और उन्होंने जो किया हरियाणा के लिए वो तो औसम ही है। सो उन्होंने भी, आपको बता दें कि जो फीमेल मॉडल है हमारी वो है सपना चौधरी जी। अभी हमारा घोड़ा आ गया, घोड़े का टेप देख लीजिएगा, सुबह सुबह लात मारने वाला था मैं। एक ऊपर बैठ के भी ऐसे नहीं है, अब वेलकम वाला सीन याद आ रहा है। अरे रोको घोड़े भाई, इसके लिए तो वक्त ही वक्त है। ये इतने घोड़े किस लिए आए हैं यहाँ? डायरेक्टर ने शॉट चेंज कर दिया। कौन है ये बदतमीज? सो अभी देखो भाई का लुक हमने बिल्कुल एक जेन्युइन सा प्यारा सा लुक दिया है जिसको देख के लड़कियाँ डुल जाती है। तो ये मतलब अभी कुछ लड़की आ रही है दो तीन जो जिनको इग्नोर करने वाले हैं।
तो ये मुझे अभी पता चला, ये बात इनको अभी पता चली है। तो ये दोस्तों दूसरा सेटअप रेडी हो गया है, लाइट्स वगैरह ऑन द स्पॉट। और अभी हमारा वो हॉर्स वाला सीक्वेंस ख़त्म हुआ था, उसके बाद अभी हम वेट कर रहे हैं बैक के साहब का, हमें हुक्म करेंगे। और ये हमारी टीम बड़ा स्माइल करता रहता भाई। मैम बैठी है, मैम रेस्ट कर रही हैं क्योंकि मैम की सुबह से तबीयत ख़राब थी। पब्लिक ने पानी छलके को इतना छलका दिया कि मेरे को सर्द गर्म हो गया। मगर वो टेक एक टेक नहीं खतरनाक आया था पानी गिरने वाला। को लग रहा था उस टाइम पे मेरे साथ वेलकम वाला सीन होगा जब मैं घोड़े को लेके आ रहा था, बट ऐसा नहीं है, अब जरूर होएगा भाई, क्योंकि अब मेरे को घोड़े पे बैठ के टेक देना है। अब देखते हैं भाई, फर्स्ट टाइम करूँगा, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, लेट्स सी। दयानंद पहले से हंसने लग गया। बैठ निकले तो पीछे पीछे बिठाओ, मना कर दिया, ठीक है सर। बारिश ऊपर देखो, आसमान देखो, अरे बारिश आ गई। डन कटिंग। पहले ही मैम की तबीयत खराब है तो ऊपर से, और अब पानी और मिला दिया इस भाई ने। तो भाई ये है मेरी थर्ड लुक और ये सॉन्ग शूट, और अभी भीगने के बाद हमने ये कपड़े पहने। कैमरा दादा बुरी हालत हो गई थी बीके पर, बहुत प्यारा टेक आया वो वाला, आपने गाने में देख लिया होगा क्योंकि आप गाना देखने के बाद यहाँ पे आए। और अभी मैं आपका वेट कर रहे हैं, मैम एक बार रेडी हो जाती है, उसके बाद हम ये वाला सीन शूट करेंगे। और 10:05 हो चुके हैं रात के, देखते हैं कितनी देर तक वो शूट चलेगा, बहुत मज़ा आ रहा है। मैम्स क्रिएटिविटी आ चल। एक्चुअली क्या कर रही है तू? कौन सा लाइनर भी गिर रहा है, चल। मैम जल्दी करो। क्या कर रहे हो? असल देखने के लिए सुंदर लगाया मैंने। मैम आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपने ऊपर से आ गया लगे आपका लाइनर। वो तो तेरी गलती है ना, तूने पूरा दिन सुनने से पहले हटा दिया उसको। हंस भी रहा था ये। ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि आपको सॉन्ग में देखने को मिलेगा, और अभी लास्ट वाला टेक है वो शूट कर लेते हैं। 12 बजने वाले हैं, इसके बाद घर निकलना है दिल्ली के लिए। दुनिया की सबसे बहुत रोटी, सबसे गुड, और मैं सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, जल्दी आपको बनाने के खिलाऊंगी, दिखानी पड़ेगी खाओगे तो कैसे आप। जरूर पूरा बड़ी कढ़ाई में बनाऊंगी।
तबारक यार। तो गाइस फाइनली व्लॉग खत्म हो गया है। आप उम्मीद करता हूँ आपको गाने की सीन पसंद आए होंगे और भाई इस गाने को पूरा प्यार देना जैसे आपने पानी छलके को दिया था। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए और जल्दी मिलते हैं अगले BTS में। वो भी जल्दी आ जाएगा वो गाना भी। अभी निकलते हैं भाई दिल्ली के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देखते हैं सुबह तक ही पहुँचा जाएगा अराउंड 5। तो अभी निकलते हैं। थैंक यू सो मच।